चार होंगे, लेकिन सारे समाज में इतने मनुष्यों के पास, इतने जीवों के पास, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड नहीं। बताओ कितनी भूल किया होगा हम लोग, और देने वाले ने हमको क्यों नहीं दिया होगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं। अब इस अनमूल्य श्वास को 21,600 श्वास हमारे 24 घंटे में सबके व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो 21,600 में से बचा लेते हैं। जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, आप घर में लाके अपनी पत्नी को दे देते हैं, अगर वो गृहिणी अच्छे ढंग से घर को चलाने वाली है तो क्या करती है, उसमें से बच्चे को भी पढ़ाती है, घर खर्च भी निकालती है, 1-2 हज़ार बचा के अलग रख देती है। क्यों रखती है? वक्त बेवक्त में काम लगेगा, इसलिए उसमें से वो बचा के रख देती है। लेकिन जो फुक्का होती है वो नहीं रखती है, फिर वो क्या करती है, सब खर्च करके और उधार करके आ जाती है चार जगह। दो तरह के होते हैं उसमें, इसलिए ये सब चीजें जब मनुष्य विचार करता है, मेरे 21,600 श्वास ऐसे ही बीतते चले जा रहे। संतों ने कहा श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने इन श्वासों का आवन हो कि न हो, अंदर गया बाहर आएगा कि नहीं कुछ पता नहीं, बाहर है अंदर जाएगा कि नहीं ये भी कुछ पता नहीं। धनी धनी लोग होते हैं, 15-20 बरस का बच्चा गुजर जाता है हॉस्पिटल में, इतना धनाढ्य व्यक्ति और उनका परिवार कुनबा भी बहुत बड़ा है, सब लोग उसको 1-1 करोड़ श्वास दे देते तो बच्चा बच जाता, लेकिन वो विधि है नहीं है, वो विधि नहीं है। सारे धनों का आदान प्रदान आप कर सकते हो, लेकिन ये श्वास रूपी धन का आदान प्रदान नहीं होता है। इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज से इसका, इससे आप किस चीज से इसको बचा सकते हैं? संतों के पास एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक जब आप सीख जाते हैं तो आप 21,600 में से आप 10,000 भी बचा सकते हैं, रोज का 5,000 भी आप बचा सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे बचाएंगे, तो उसकी टेक्निक है भाई, उसको सीखना पड़ेगा। आप तुरंत बोलोगे ये सब कर दो तो नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा, उसके लिए सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, एक टीचर बनने के लिए या एक बिजनेसमैन बनने के लिए सब कलाएं सीखनी पड़ती। ठीक ऐसे ही एक गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, देखो ड्राइवर बनने के लिए सब उसको भी अपने गुरु के पास जाना पड़ता। ठीक ऐसे ही जब हम अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, अभी बहन ने कितनी अच्छी एक बात कही, हमारा डेली का जो क्रम चालू है, सुबह उठे नित्य कर्म किया, बनाया खाया और सो गए, या अपने काम में चले गए, शाम को आए फिर बनाया खाया फिर सो गए फिर सुबह हो गई, रोज का क्रम हमारे जीवन में वही चला रहा, बदलाव कहीं कुछ नहीं। लेकिन हमारे संत कहते हैं भाई समझो इन सब चीजों को, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, रात्रि की शोभा को बढ़ाने वाला चंद्रमा है और दिन की शोभा को बढ़ाने वाला सूर्य है, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, भक्त को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। भक्त का आभूषण क्या है? आज हम भक्त का चादर तो हम लोग ओढ़ लेते हैं राम नाम की, लेकिन भक्त का आभूषण क्या है? भक्त का भूषण भक्ति है, भक्त की शोभा भक्ति से होती है और भक्ति की शोभा ज्ञान से। भक्ति तो हम कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है, किस चीज की भक्ति कर रहे हैं भाई? भक्ति करने के लिए हमारे पास ज्ञान जरूरी चाहिए हमको, अगर ज्ञान नहीं हम भक्ति नहीं कर सकते।
क्योंकि ध्येय ध्यान ध्याता ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, जब तक हमारा वो तारतम्य वहाँ नहीं मिलता है तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं भक्ति का भूषण, भक्त का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान को ज्ञान का आभूषण क्या है? ध्यान। अब ध्यान करना पड़े और ध्यान का भूषण त्याग। अब ध्यान कर रहे हैं, त्याग की भावना नहीं आई मन, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति पद पद तुलसी अमल अदा। जब व्यक्ति के अंदर एक ज्ञानी जो होता है, अपने ज्ञान में जब वो खरा उतरता है तो उसको संसार की सब चीजों से मतलब नहीं होता है। संसार में रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन इससे ऊपर उठ के रहता है। जैसे राजा जनक अपना राज्य चलाते थे, सुखदेव मुनि को बोलते, सुखदेव मुनि बोलते हैं कि ये तो